जो कि झोपड़ी में निवास करने वालों को आवास आवंटन करने की जिम्मेदारी स्वीकार करने वाले नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि झुग्गी झोपड़ियों में किराए से रहने वाले परिवार आवास मिलने की उम्मीद ना करें, यह अधिकार नगर निगम प्रशासन को नहीं है। हालांकि गृह निर्माण मंडल द्वारा और भी नई योजनाएं जारी होने वाली है जिसमें बदलाव की उम्मीद की जा रही है, लेकिन फिलहाल झुग्गियों में किराए से बसर करने वाले परिवार आवास आवंटन की लाइन से बाहर रखे जाएंगे। लोगों को अभी भी ये लगता है कि किरायेदारों को भी मकान दिया जा रहा है, ऐसी कोई योजना नहीं है कि कोई किराए में रह रहे हैं उन्हें मकान देना है। वर्तमान में हमारे पास IHSDP के मकान हैं जिसमें जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं ऐसे लोगों को झुग्गी झोपड़ी को तोड़ के उन्हें फिर नया मकान दिया जाता है। तो ये लोगों को समझाइश दी गई है और हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम हमारी आ रही है उसके तहत किरायेदारों को भी या ऐसे लोग जिनके पास आवास नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको हम आवास देंगे।